हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ सरल करेंगे। हम इसका पार्ट बी सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि लघु उत्तरार्थ में है तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि यदि मैट्रिक्स 3-2, 4-2 तथा आई बराबर 1001 एवं ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर एक्स वाई है तो इनका गुणनफल देखिए ए बी का बराबर इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कर देंगे तो आएगा ए एक्स प्लस बी वाई। इसी प्रकार इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो आएगा सी एक्स प्लस डी वाई। अब हमारा ए बराबर दे रखा है 3-2, 4-2 तथा आई बराबर 1001। अब ए स्कोर की गणना करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए, ये ए का मान रख दिया, ये ए का मान रख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3×3 9, -2×4 -8। और वापस इसी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3×-2 -6 और -2×-2 ये हो गया +4। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो 4×3 12 और -2×4 8। वापिस इसी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4×-2 -8 और -2×-2 ये हो गया +4। और 9 में से 8 गया बचा 1, -6 +4 ये हो गया -2 और 12 में से 8 गया 4 और -8 +4 ये हो गया -4। अब हमने यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, के यहाँ ए की वैल्यू रख दी -2 और यहाँ आई की वैल्यू रख दी। अब हम इस के को अंदर गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3k -2k 4k -2k और माइनस, और इस 2 को भी अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2002। अब हम इस माइनस वाली मैट्रिक्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की, तो ये हमारे पास आ गया 1-2 4-4 +2002 और ये वैल्यू यही है बराबर 3k -2k 4k -2k। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 1 और 2 3, -2 + 0 -2, 4 + 0 4, -4 + 2 -2। इसी प्रकार ये इधर बचा 3k -2k 4k -2k। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स की तुलना कर लेंगे तो यहाँ से देखो ये हो गया 3 बराबर 3k, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया और k का मान आ गया 1। हमारा फाइनल आंसर आ गया k बराबर 1, ये सोल हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।